मैं आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव इस पर्व की आप सबको बधाई देता हूं। आज देव दीपावली भी है, जो सामान्यतया जो पहले दीपावली आती है उसके 15 दिन के बाद ये विशेष देव दीपावली ये मनाई जाती है। आज इस अवसर पर जो दूसरा विषय है, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो पिछला लगभग एक वर्ष से गतिरोध चल रहा था, कुछ किसान नेताओं ने किसानों के बारे में जो 3 बिल पारित करके कानून बनाए गए थे, यद्यपि वो जो बिल हैं किसानों के हित में थे, किसानों की भलाई के लिए थे, खास करके छोटे किसान, मध्यम दर्जे के किसान, उनको बहुत लाभ होने वाला था, लेकिन चूँकि कुछ किसान नेताओं ने एतराज़ जताया और एक वो गतिरोध बना था, आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े हृदय से, और मैं कहूँगा कि उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। और इसमें अब चूँकि देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक पद्धति से जो व्यवस्थाएं अपने यहाँ होती हैं उनकी इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए, जैसे ही लोकसभा का सेशन शुरू होगा उस समय इनको विधिवत तौर पर संसद में रख करके इनको वापस लिया जाएगा। और किसानों को अपील भी की है कि वो सब लोग अपने जो धरने हैं उनको समाप्त कर दें, जो लोग बॉर्डर्स पर बैठे हैं वो खाली करें, क्योंकि सामान्य जनता को भी बहुत उससे कठिनाई आ रही है और उस कठिनाई को दूर करने के लिए आखिर सबके भले के लिए सोचना होता है, तो वो खाली करके अपने अपने घरों को लौट जाना चाहिए और अपने खेतों में जाकर के भी काम करें, सामान्य गतिविधियाँ जो किसान की होती हैं उसके अंदर अपने अपने काम में लग जाए। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है और मैं भी अपील करता हूँ कि अब इस विषय पर एक सार्थक पहल करके और सब लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक MSP की बात है, चूँकि वो तो एक सुझाव एक प्रकार का किसान संगठनों की ओर से है, वो तो कोई कानून बना नहीं है अभी, लेकिन उसके लिए भी पहल करके प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में केंद्र सरकार के लोग, प्रदेशों की सरकारों से भी लोग लिए जाएंगे, कृषि के अर्थव्यवस्था को जानने वाले लोग, कृषि साइंटिस्ट और किसानों के भी प्रतिनिधि, इन सब के बीच में सबको मिला करके और एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो भी कोई स्पर्श करेगी, जिस प्रकार का विचार किया जाएगा, उसके बाद उस पर भी निर्णय, सार्थक निर्णय लिया जा सकता है। सर, ये जो हरियाणा के अंदर इसका जो पीछे केसेस बने उनके ऊपर भी कोई सवाल, कोई पहल करेगी सरकार कि जो केसेस इस दौरान इस पीरियड में बने फार्मर्स? देखिए, जब कोई आपसी समझ होती है तो आपसी समझ में मिल बैठ करके इन सब चीज़ों पर विचार किया जाता है, और उसमें भी कई प्रकार के केसेस हैं। कुछ केसेस बहुत सामान्य केसेस हैं, सामान्यतः पहले भी ऐसे आंदोलन होते हैं तो उसी प्रकार उनके निर्णय किए जाते हैं। जो कोई बहुत गंभीर धाराओं के अंतर्गत होते हैं उनका विषय जो है, चूँकि बहुत केसेस कोर्ट में भी चले जाते हैं तो कोर्ट के माध्यम से वापस करने पड़ते हैं, तो एक सार्थक, जिसको कहना चाहिए, पहल हम अपनी ओर से भी करेंगे और इसमें किसी प्रकार का आगे कोई विवाद बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आपकी कई बार मीटिंग्स हुई हैं माननीय होम मिनिस्टर के साथ, उनके साथ, सीनियर्स के साथ, तो आपने कितनी बार इन इश्यूज को उठाया और क्या चर्चा रही थी? अब तो क्योंकि अब सब कुछ सॉल्व हो गया तो आज शेयर कर ही सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारा आंदोलन का ज़्यादा असर हरियाणा पर या कुछ पंजाब में भी कह सकते हैं, लेकिन इन आखिरी दिनों में तो पंजाब में उतना प्रभाव नहीं था जितना हरियाणा में था, कुछ थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। तो मैं जब जब भी पिछले वर्ष भर में चाहे अपने पार्टी के अध्यक्ष से मिला हूँ, चाहे होम मिनिस्टर से मिला हूँ, चाहे प्रधानमंत्री से मिला हूँ, प्राय हर बार इस विषय पर चर्चा होती रही है और हर बार उन्होंने भी कहा कि किसी प्रकार की कोई बातचीत किसी कॉर्नर से आती है तो वो ज़रूर हमारे तक पहुँचाते रहें। मेरी भी बीच बीच में कुछ किसान नेताओं से बातचीत चलती रही है, क्योंकि ये सब बातें इनफॉर्मल होती है, फॉर्मल लेवल पर हमारा कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ये विषय राष्ट्रीय स्तर का है, केंद्रीय कानून बने हैं, लेकिन इनफॉर्मली जितनी बातें हैं, जितने इनपुट्स हमारे पास थे वो हमने बताए, और उसमें बातचीत करने में जो जो लोगों को हम भेज सकते थे केंद्रीय नेताओं के पास भेजा भी था। प्रारंभ में तो 11 सिटिंग्स जो फॉर्मल सिटिंग्स हुई थी, लेकिन 11 सिटिंग के बाद लगातार हर बार विषय एक प्रकार से रुक जाता था। बाद में इनफॉर्मल मीटिंग्स में कई लोगों के संदेश हमने पहुंचाए हैं, मैं समझता हूं उसी में से एक विषय निकला है कि अभी एक बार जो कि जितना गतिरोध हो गया है उस गतिरोध को दूर करने के लिए शायद प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा कि यही उसमें से एक रास्ता निकलेगा,
और चूंकि कोई बात और किसान नेता इससे ज़्यादा सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने बड़ा मन दिखा करके, और जैसे लोकतंत्र में होता है कि जनता की बात को ज़रूर ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं, हालांकि निर्णय लेने का अधिकार भी संसद को है, तो प्रधानमंत्री जो के नेता है तो नेता के नाते उन्होंने कहा है, तो निश्चित रूप से संसद में 29 तारीख को जैसे लोकसभा का सेशन होगा तुरंत उसमें इसको निर्णय को स्वीकार किया। किसानों से अपील क्या है? सीधी प्रतिक्रिया अभी तक इस पर नहीं थी, उन्होंने कहा कि करो बैठक करके अपना फैसला देंगे। वही राकेश जी का किसान नेता का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होते संसद में तब तक हम तो आपकी क्या अपील है? आपने ये भी कहा है सर इसमें कि जब तक जो MSP है उसके ऊपर कानून नहीं बनता किसान हटने को तैयार नहीं है, तो जो कुछ किसान संगठन है वो अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। देखिए अलग अलग बातें अलग अलग किसान नेताओं ने कही हैं, कुछ लोगों ने स्वागत किया है और कुछ लोगों ने MSP की बात कही है। मैं समझता हूँ इन दोनों बातों के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बात कह दी है, क्योंकि कानून कोई बना हुआ बने हुए तो तीन ही कानून थे, ये तीनों ही वापस लेने की बात कह दी है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता समाज में इस देश में बल्कि मैं तो कहूँगा दुनिया में इतनी बनी हुई है कि जो बात वो कह देते हैं उसको पूरा करते हैं। इस पर तो कोई चिंता किसान नेताओं को करनी नहीं चाहिए कि एक बार जब कह दिया है तो निश्चित रूप से यानी होगा ही, बल्कि अपने विपक्ष के नेताओं ने भी ये कहा है। अभी मैं हुड्डा जी का एक स्टेटमेंट सुन रहा था तो उन्होंने भी कहा है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा है तो लोकतंत्र में विश्वास ही करना चाहिए, विश्वास करेंगे और उसको वापस करेंगे, अविश्वास की कोई बात नहीं है। आज भी अगर अविश्वास की भावना प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई रखते हैं तो मैं समझता हूँ ये बड़ी भूल है। देखिए ये पॉलिटिकल इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। किसानों के हित में हम हमेशा सोचते हैं, चाहे इन कानूनों के द्वारा लागू होने के बाद जो स्थिति थी वो अजम्पशन यही थे कि किसानों को लाभ होगा, और वैसे भी हमने कभी भी किसान के हित में ही हमेशा जितने कदम उठाए हैं आप हरियाणा में देख लीजिए, हम लोगों ने पानी है वो टिल तक पहुंचाया है, प्रोक्योरमेंट भी जो है वो ज़्यादातर फसलों की प्रोक्योरमेंट हम करते हैं, जो हरजाना है जो मानो हरजाना क्या जो उनका नुकसान होता है मुआवजा है उस मुआवजे को भी हमने सारे देश में सबसे ज़्यादा यहाँ रखा हुआ है। पहले ये 12,000 रुपये एकड़ था, हमने उसको 15,000 रुपये एकड़ कर दिया है, 10 का 12.5 कर दिया है, और भी जितनी सुविधाएं किसानों को हम दे सकते हैं, चाहे वो भूमि ये जो सॉयल परीक्षण के जो कार्ड्स थे वो हमने बनाए हैं, लैब्स बनाई हैं, हर एक मंडी में अब वहाँ लैब बनेंगी, स्कूल कॉलेजेस में हमने लैब बना दिए हैं ताकि सॉयल टेस्टिंग का जो सिस्टम है उसके आधार पर सॉयल की जो क्वालिटी है उसको देख करके किसान को बताया जाए क्या बुआई करनी क्या नहीं। सेम की जो ज़मीन है उसको हम 1,00,000 एकड़ उसको ठीक करने की और आगे बढ़ रहे हैं, और किसान का जैसे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था किसान मान सम्मान निधि, तो वो सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया हर किसान को हर वर्ष आता है, तो बहुत से ऐसे पग हैं जो गिनाए जा सकते हैं जो पहले कभी नहीं उठाए गए। आज भी आगे हम छोटा किसान जो है जिसकी आय बहुत कम है, जमीन कम है, ऐसे किसान के परिवारों को किसी न किसी को रोजगार यानी कृषि के अलावा रोजगार भी दिलाने का ये हम प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे हमने हरियाणा में ही मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये चलाई है, इसमें 1,00,000 परिवारों को, उसमें मैं समझता हूँ किसान भी होंगे मजदूर भी होंगे सभी होंगे, तो ऐसे परिवारों को रोजगार दिलाने की हमारी मुहिम चल रही है। आज भी उसके में लेकर के मेरी बैंक्स के साथ मीटिंग है जो हमारी स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी है, ताकि उनको ऋण मिल सके, उनको रोजगार करने के लिए काम हो सके। हम गरीब के लिए किसान के लिए जितनी योजनाएं बनाई आज तक सब बनाई हैं, लेकिन केवल उसमें से शंकाएं पैदा करना अविश्वास पैदा करना ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं होता है। कृषि कानूनों के साथ समर्थन में खड़े हुए थे आप, अभय चौटाला ये भी कह रहे हैं कि एक प्रस्ताव को हरियाणा विधानसभा में आप लेकर के आए थे उसे भी वापस कराएंगे जो कि इनके समर्थन में था। एकाएक ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री सामने आए और वापस ले लिया पूरी सरकार से जो स्टैंड थे? देखिए ये पिछले बहुत समय से चीजें चल रही थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप आगे आएगा, और आखिर तो समस्या कोई भी जब होती है उसके समाधान के लिए लोकतंत्र में तरीके होते हैं, उस तरीके में बातचीत का एक तरीका होता है। बातचीत शुरू में फेल हो गई, बाद में फिर लगातार दोनों तरफ से चीज़ें अड़ी रही, अंतोगत्वा पिछले लगभग 2 महीने से मैं कह सकता हूँ कि हमारे गृहमंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी संकेत किया कि समय आने पर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब ये उनका अपना विषय है कि उन्होंने किस दिन उसकी घोषणा करनी और क्या करनी है, जो कि मुखिया वो हैं और केंद्र सरकार के कानून हैं, अधिकार भी उनको है, लेकिन हमने प्रयत्न सब किए और उस प्रयत्नों में से आज ये इस लेवल पर चीज पहुंची है। अभी भी कोई बातें अगर बची हैं तो उसको भी बैठ करके आगे पंजाब के चुनाव से जोड़ के भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में चुनाव तो हर समय आता है,
यानी इससे पहले आप कहेंगे कि पहले कर लेते तो फिर इलाहाबाद के चुनाव की बात होती, उससे पहले कर लेते तो असम के चुनाव है, उसकी चुनाव तो देश में हर साल कोई दो चार प्रांतों के रहते ही हैं। 37 प्रांत यानी हमारे 29 प्रांत हैं, तो 29 प्रांत में अगर 5 साल में है तो ऑन एवरेज 5 प्रांत बैठ जाते हैं, 6 प्रांत बैठ जाते हैं, तो इसलिए ये चुनाव तो कभी ना कभी कोई ना कोई आते रहते हैं। सीएम साहब ने कहा बड़ा दिल दिखाया पीएम मोदी ने, और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं वो समझाने में विफल रहे, इसलिए माफी भी मांगी है। इस दौरान किसानों की मौत 800 के करीब, हरियाणा के भी कुछ है, उनके लिए हरियाणा सरकार किस तरीके का कोई विचार करेगी? देखिए वो किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है उन कारणों को आधार मान करके और उसका विचार किया जाएगा। अब इसमें जो आदमी चला जाता है उसके बारे में टिप्पणी करना कोई भी अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन क्या कारण रहते हैं उन कारणों पर विचार करें। सर, कंपनसेशन देंगे उन कारणों के बाद। सर, तीनों कृषि कानून जैसा कि दावा किया जाता है किसानों के हित के हैं, क्या किसी न किसी स्तर पे ये बात एक साल में किसानों को समझाने में देखिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं माना है कि कहीं ना कहीं हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है कि हम उनको समझा नहीं पाए, ये तो उन्होंने माना है। धन्यवाद।